नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 24, विच टर्म ऑफ द जीपी, ये जीपी हमें गिवन है इज 1280, ठीक है, एंड जीपी हमें गिवन है 5, 20, 80 एंड अप टू 5120। देखो जीपी गिवन है 5, 20, 80 एंड अप टू 5120, एंड हमें बताना है कि जो 1280 है वो कौन सा टर्म होगा इस जीपी का, ठीक है। तो देखो इसमें इस जीपी में फर्स्ट टर्म है 5, ओके, एंड कॉमन रेशियो की बात करें तो कॉमन रेशियो होगा a2 upon a1, दैट इज 20 upon 5, तो ये आ जाएगा 4, तो r इक्वल टू है 4। अब देखो जीपी में nth टर्म का फॉर्मूला होता है a इंटू आर टू दी पावर एन माइनस वन, तो देखो ए एन इक्वल टू है, मतलब हमें निकालना क्या है, हमें बताना है कि जो 1280 है वो कौन सा टर्म होगा, तो हम ए एन की जगह पुट करेंगे 1280, तो याद आएगा 1280 इज इक्वल टू, एंड ए इक्वल टू भी है 5, तो याद आएगा 5 इंटू, ओके, एंड आर इक्वल टू है 4, तो याद आएगा 4 to the power n माइनस वन। नाउ 1280 को वी कैन राइट, देखो 1280 को वी कैन राइट 5 into 256 एंड इट इज इक्वल टू 5 into 4 to the power n minus 1, तो 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, 5 से 5 कैंसिल किया एंड 256 होता है 16 का स्क्वायर, ठीक है, 16 का स्क्वायर एंड इट इज इक्वल टू 4 to the power n minus 1। अब ये देखो 16 को भी वी कैन राइट 4 का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 4 square एंड होल पावर 2, सो हो जाएगा पावर क्या है मल्टीप्लाई हो जाएगी, सो आ जाएगा ए आ जाएगा 4 की पावर 4 एंड इट इज इक्वल टू 4 to the power n minus 1। तो यहाँ पे हमने कंपेयर किया, देखो यहाँ पे भी 4 है, इन दोनों की पावर को कंपेयर किया, तो कंपेयर करने के बाद क्या आएगा, 4 इज इक्वल टू n माइनस 1, तो n इक्वल टू वी गेट 5, तो दिस इज द आंसर।